नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के टॉप 25 प्रश्न डेली हम कर रहे हैं और आज हम क्लास नंबर 8 करने वाले, यानी कि आज को मिला के आपने 200 प्रश्नों को लगा लिया है। ठीक, और इसमें हम न्यूमेरिकल भी 2 से 3 क्वेश्चन आप देख ही रहो हर सेट में डाल रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की बात करें, साइंस के 25 आने हैं। ठीक, तो 25 में से 25 करने की कोशिश करेंगे हम। बायो भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, लेकिन अब डेट का, जैसे कि आपको भी पता, डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो डेट जैसे ही आता है हम केमिस्ट्री भी आपको करा देंगे, बायो हम शुरू कर देंगे जल्दी। ठीक, चलिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक, और अनअकैडमी पे 10 तारीख से 10 नवंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगर जो आपका टारगेट है 2021-22 एग्जाम निकालना, एसएससी का देना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए, अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है, टीम ऑल स्टार बैच है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2021-22 के लिए, इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021 के लिए, ये आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच सीपीओ एग्जाम के लिए 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा सीटी ब्रह्मास्त्र बैच है 10 नवंबर से, कंप्लीट बैच एक है जनरल स्टडीज के लिए ऑल एग्जाम को कवर करेगा 10 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अनअकैडमी पे कुछ नए फीचर ऐड किए गए, जिसमें आस्क ए डाउट का फीचर है। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है मैथ साइंस जीके, तो आप यहाँ पे आस्क ए डाउट में जाकर उस क्वेश्चन को क्लिक करके इमेज आप आंसर ले सकते हो। इसके अलावा अभी जो ऑफर चल रहा है एसएससी एग्जाम्स का, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 ईयर का लेने पे 8 मंथ का एडिशनल। ठीक, तो ये ऑफर सिर्फ 11 नवंबर तक रहने वाला, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। रेज हैंड का फीचर मिलता है प्लस वालों के लिए, जो भी लोग अकेडमी के ऐप पर क्लासेस देखते हैं प्लस में, लाइव क्लास के दौरान ही आप टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्पैक्ट एवरी संडे होता है, कोड गुरु टिप्स यूज करके एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गुरु टिप्स कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते। ठीक, चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? किसकी कोई यूनिट नहीं है, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या दाब, क्या आंसर होगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। तो सापेक्षिक घनत्व की बात करें, इसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। ठीक, यह क्या होता है, ये एक अनुपात होता है, यह एक रेशियो होता है। ठीक, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है, आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, किससे मापते हैं, किससे मापते हैं, तो याद रखना आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर। ठीक, हाइड्रोमीटर से हम आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है भाई? व्हेन ए स्टोन थ्रो स्ट्रेट अप हिट्स इन द टॉप इट्स, क्या होता है? तो इसका जो वेग होता है ना, जो वेग होता है वो 0 होता है भाई। आपने पत्थर फेंका, एकदम फेंका 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 फेंका, एक एक टाइम आएगा तो एकदम मैक्सिमम ऊपर होगा, उसके बाद वो नीचे गिरना पड़ेगा। जब ऊपर एकदम पहुंच जाएगा तब उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग 0 होता है, वेग 0 होता है, तथा त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वो त्वरण किसके कारण होता है, जी के कारण होता है, जो आपका नीचे की ओर बल लगता है। ठीक, तो त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और वेग लगभग 0 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, तो न्यूटन्स के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व, इनर्सिया का नियम। ठीक, न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा भी मिलती है, ये भी याद रखिएगा, वही ना, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब कोई वस्तु गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कार्य की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, जूल कार्य की इकाई होती है। वाट किसकी इकाई होती है, वाट पावर की इकाई होती है या शक्ति की इकाई होती है। हर्ट्ज की बात करें तो ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है। किलोग्राम आपको पता है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखो भाई, इसमें दो लोग गए थे, एक तो नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ एक तो नील आर्मस्ट्रांग थे, कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, ये थे, प्लस इनके साथ एक थे एडविन अल्ड्रिन थे, ये दो लोग गए थे, लेकिन जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग रखा था, इसलिए इतिहास इन्हीं को याद रखता है। ठीक, तो एडविन अल्ड्रिन के पास मौका था कि वो पहले उतर जाए भैया, तो यहाँ पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता, ऑप्शन नंबर बी। ये कौन थे भैया, एक अमेरिका के खगोल शास्त्री थे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, चलिए, ये ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को ये कारनामा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पृथ्वी की आयु का आकलन किस मेथड द्वारा किया जाता है? एस्टिमेटिंग द एज ऑफ अर्थ किसके द्वारा करते हैं भाई? तो पृथ्वी की आयु के आकलन की बात करें, ये हम यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम काल निर्धारण, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, पुरानी इमारतें इत्यादि की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा हम कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ये सारे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें धारा मुख्यतः कोटरों में प्रवाहित होती है, इसमें धारा मुख्यतः कोटरों द्वारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और यन प्रकार के अर्धचालक की बात करें, यन टाइप अर्धचालक की बात करें, यन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें जो धारा होती है मुख्यतः किसमें, धारा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक। तो पी टाइप अर्धचालक में धारा मुख्यतः कोटरों के द्वारा प्रवाहित होती है, एन टाइप में धारा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या भाई? 8 है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो डायोड, ध्यान रखिए, डायोड देखो, अब धारा है भाई इधर भी जा रहा है, तार वापस आ रहा है तो इधर भी आ रहा है, लेकिन अगर जो हम बीच में डायोड लगा लेंगे तो धारा एक ही दिशा में जाएगी, धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, धारा लगाने से जो एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है धारा को, डायोड वह युक्ति है जो धारा को सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 क्या भाई? 9 है आपका, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो धारा, विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? वोल्टमीटर से हम विभवांतर मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, और एनेमियोमीटर से हम मापते हैं ध्वनि की गति, ध्वनि की गति मापते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा भाई। श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से होते हैं, चार ओम की हैं, ठीक, चार ओम का हम लगा देते हैं, चार ओम, चार ओम, चार ओम, चार ओम, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 4 4 4 4 16 हो जाता है, यानी कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये श्रेणी क्रम में। अगर जो समांतर क्रम में होता तो 1/R बराबर होता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसको आप यहाँ पे R1 R1 सबकी जगह पे 4 पुट अप करते, आंसर निकालते, उसका उल्टा कर देते, वही आंसर हो जाता। वैसे इसका आंसर होगा 16 ओम, ऑप्शन नंबर ए। 11 की बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, ये ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। 12 की बात करें, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? फ्यूज, कल मैंने बताया था इसके बारे में, फ्यूज तार का उपयोग की बात करें, अत्यधिक धारा के प्रवाह के समय, अत्यधिक धारा के प्रवाह के समय विद्युत धारा तोड़ने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक जो होता है ना, उच्च होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी? एक सुरंग में कितने वाट क्षमता वाले बल्ब है? फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा बार बार, 100 वाट क्षमता वाले बल्ब है, कितने बल्ब है? 5 बल्ब है, कितने घंटे जला रहा है? 20 घंटे, तो संपूर्ण विद्युत खर्च निकालना है, टोटल एक्सपेंडर निकालना है, ठीक। तो बटे 1000 होता है, 1000 से 3 जीरो काट दो, 1 2 3, यानी कि 5 × 10 10 यूनिट खर्च होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, और ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में, वोल्टेज को ऊंचाई या ऊंचाई चेंज करने में प्रयोग किया जाता है। 15 की बात करें, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इसका आंसर बताइए, कार्बोरेटर विच इंजन हैव कार्बोरेटर, विच इंजन हैव कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर की बात करें, यह होता है आपका पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर पाया जाता है, ठीक। कार्बोरेटर की बात करें, ये क्या करता है? इसका काम होता है एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करना, ये कार्बोरेटर का काम होता है और पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। 16 की बात करें, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में 60 है तो फारेनहाइट में बदलना, C/5 बराबर F-32, ये तो रट गया होगा आपको, 9 डिग्री सेल्सियस की जगह हम 60 पुट अप कर देंगे, 60/5 बराबर F-32/9, 1 कटेगा 12 बार में, और 12 × 9 कितना हो जाएगा? 12 × 9 108, और 32 माइनस है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 32 बराबर F, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर इसका
ए राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता किसका, तो ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट इफेक्ट दाब का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह सुनाई पड़ती है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब मैक संख्या एक हो तो ध्वनि क्या होगी, इसको भी मैंने बताया था भाई, ये रिपीट हो रहा है, मैक संख्या होती क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, मैक संख्या, ये मैंने नहीं बताया था, मैक संख्या बराबर होती है ऑब्जेक्ट की स्पीड, जो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड है बटे जो आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड है, जो हवाई जहाज प्लेन जो भी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लस बटे साउंड की स्पीड, ठीक, ये आपका निकलता है मैक संख्या, ऑब्जेक्ट स्पीड बटे साउंड की स्पीड, इसको मैक संख्या बोलते हैं। जब मैक संख्या की बात करें, जब मैक संख्या एक हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक बोलते हैं, ट्रांसोनिक, ठीक, जब मैक संख्या एक हो तो इस ध्वनि को बोलते हैं ट्रांसोनिक, ऑप्शन नंबर सी। जब मैक संख्या एक से अधिक हो मैक संख्या, तो इसे बोलते हैं सबसोनिक, सबसोनिक, ठीक। जब मैक संख्या एक से कम हो, मैक संख्या एक से अधिक हो, और मैक संख्या एक से दो के बीच में, सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा, जब मैक संख्या पांच से अधिक हो तब इसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, क्या, मैक संख्या जब पांच से अधिक हो तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक याद रखिएगा। तो ट्रांसोनिक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ट्रांसोनिक, क्या होगा, ट्रांसोनिक, ठीक है, ट्रांसोनिक याद रखिएगा। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करें 20 क्या होगा, 20 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, इसका आंसर क्या होगा, किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, तारत्व के कारण ही ध्यान रखिएगा ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है, ठीक, अगर जो आपका तारत्व अधिक है, ठीक, तारत्व अधिक है तो ध्वनि आपकी आवाज पतली होगी, तारत्व कम है तो आवाज मोटी होगी। तो तारत्व की बात करें, महिलाओं की तारत्व अधिक होती है, मच्छरों का तारत्व अधिक होता है इसलिए उनकी ध्वनि पतली सुनाई देती है, तो यहाँ पे मच्छर का भिंगराहट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक तरंग की चाल 200 मीटर पर सेकंड है, तरंग दैर्ध्य 1/2 मीटर है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, भाई चाल भी बराबर दिया है 200 मीटर प्रति सेकंड, लेमडा दिया है आपका 1/2 मीटर, आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति निकालना, तो v बराबर n लैम्डा होता है, आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा, ठीक। तो v कितना, 200/λ, 1/2 करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 400, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात कर लेते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की बात करें, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 23 की बात करें, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कैसी होती हैं, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बात करें, एक प्रकार की इंफ्रारेड होती हैं जिसको अवरक्त बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत की बात करें, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और 25 की बात करें, वायु में रिक्तम अक्रिय गैस कैसी होती है, तो वायु में रिक्तम जो अक्रिय गैस भरी जाती है वो आर्गन होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का, अक्रिय गैस, ठीक, आर्गन। तो ये थे आज के क्लास के 25 क्वेश्चन, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी भाई, साइंस के जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है, डेली चल रही है, आप लोग वीडियो को लाइक किया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो कम से कम 5 लोगों को, ठीक, रिक्वेस्ट है ये, मैं बोल नहीं रहा हूं, ऑर्डर नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं शेयर करो, ठीक। और मैं बायोलॉजी शुरू करने की सोच रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ और बच्चे जब ज्यादा जुड़ जाएंगे तब बायोलॉजी कराने में मजा आएगा, तो इसलिए आपके ऊपर है, शेयर करो ज्यादा ज्यादा, ठीक। और चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।